हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, वो एंट्री गेट है नाथ द्वारा में। एंट्री जब हम करते हैं तो जस्ट अभी हाईवे पे हैं, लालबाग से निकल कर हम लोग जा रहे हैं गौशाला। तो चलिए आप सभी सबको लेकर चलते हुए गौशाला आप भी दर्शन कर लीजिए। वैसे गौ माता को तो हमारे यहाँ भगवान ही माना जाता है हिंदू धर्म में, आप सभी जानते हैं। तो ये है बड़ी सी गौशाला जो कि रास्ते में ही आती है। और ये अभी शाम के में करीब 6 बजे के करीब हुए थे। और तो यहाँ देखिए मयूर और मेर देवर आ रहे। एक दिन में हमने काफ़ी सारी जगह विजिट किया, तो टाइम लिमिट के हिसाब से ही सब जगह घूम रहे थे ताकि नेक्स्ट डे हम लोग दूर की जर्नी कर सके। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग, मतलब है ना, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ और यहाँ खड़े रहने के लिए एक सेंटर में जगह बनाई है। और साइड साइड में ना बहुत जगह पे अलग 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 गौशाला है जहाँ मैं आपको बता रही हूँ। तो या इसमें जो सिंगल सिंगल रख रखे हैं और सबको ऊपर नाम भी दिए, उसी नाम से हम जब बुलाते हैं ना तो अंदर जो गाय या नंदी जो है, महाराज नंदी महाराज, सारे ही बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखिए कुछ देर बाद है ना सामने से भी गौशाला में से आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके सबका नाम बता रही थी, धोरिया, केसर और मयूर, मेरे हस्बैंड का नाम भी था। तो मैं उनको बोल रही थी देखिए आपका भी नाम है यहाँ पर। तो देखिए अभी है ना एक जो मंदिर की गाय होती है ना वो आएंगी, तो उनके दर्शन करने के लिए भी हम जा रहे थे। और जितने नीचे लोग थे ना सबको बता रहे थे कि आप सब साइड में हो जाइए, क्योंकि अभी जो आया है ना चारा पानी, देखिए इसी गाड़ी में से आया है, तो वो है ना सब जो ना गाय को खिलाते हैं उसमें डाल देंगे। तो फिर सारी गाय अपने आप आती है। देखिए बच्चे, ये गाय के बछड़े हैं जो बड़े भी नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं, बीच वाले साइज के हैं। तो वो सारे ही है ना लाइन से आते हैं, खा लेते हैं और अपने आप अपनी जगह पर चले जाते हैं। मतलब कोई इतना उनको आता है, खुद से ही समझ आता है कि वो ये सारे ही खुद से करते हैं। तो यही देखने के लिए लोग काफ़ी जगह से जमा होते हैं और जिनको चारा खिलाना है वो भी उसमें लाकर रख देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ही चारा वगैरह खिलाया जाता है। तो अब हम लोग चारा खिलाने के बाद नीचे आए थे, तो ये जो गौ माता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और इस तरह से बीच में आके खड़ी थी, तो सब लोग है ना उनके दर्शन कर रहे थे। ऐसे कहते हैं कि गौ माता के नीचे से इस तरह से निकलना है। देखिए जाने थोड़ी दर्द हुई थी, तो पहले निराली गई, फिर भूमि और जानवी, लास्ट में उसकी हिम्मत की और सारे ही इसके नीचे से चले गए। आगे आगे हमने भी दर्शन किया और लकीली भगवान की दया से मुझे 2 टाइम चांस मिला। एक टाइम में मैंने ट्राई किया और सेकेंड टाइम में फिर से लाइन लगा दी। और बस जैसे हमने स्टार्ट किया ना वैसे ही सारे लोग आने के लिए स्टार्ट हो गए और जानवी ने भी 2 टाइम यहाँ पर राउंड लगा लिया। तो कुछ इस तरह से इस तरह का दर्शन किया जाता है। बाकी कोई भी गाय इस तरह से खड़ी नहीं रहती है। सो देखिए ये एक राउंड अब पूरा होने वाला है और बस अब हम भी यहाँ से निकलेंगे। तो कुछ इस तरह से ये गौशाले का दर्शन मैंने आप सभी को कराया। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय माता गौ की, गौ माता की जय।